मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए नोमेरिकल्स। तो नोमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसे किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड है। गति आरंभ करने के 10 सेकेंड के पश्चात उसने कितनी दूरी तय की, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखनी है कि इसे सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमारे पास दिए हुए हैं सवाल में। तो a इक्वल टू देखिएगा 5 मीटर, यानी कि त्वरण आपको दिया हुआ है। आपके पास समय यानी कि टाइम जो है वह भी दिया हुआ है कि टाइम आपको मिला है 10 सेकेंड। टाइम आपके पास 10 सेकेंड है। अब देखिए, आप इसी दोनों के द्वारा आपको निकालना है कि आप किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक रेसिंग कार जो है वो हमें कोई भी उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वह कुछ भी हो सकता है। तो हम शुरुआत में रेसिंग कार स्टार्ट जो हुआ होगा वो किस प्रकार से हुआ होगा, 0 से स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि उसका जो प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0, टाइम आपका 10 प्लस 1/2, ए का वैल्यू 4 और टी का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 10 का स्क्वायर कर देना है। तो ये तो 0 हो गया, 1/2, 4, 100 का ये 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 होगा। अब इसे देखिए, इसे सॉल्व करते हैं, इसे कटा देते हैं, 2 × 100 इक्वल टू 200 मीटर, यानी कि 200 मीटर जो है वो 10 सेकेंड में जाएगा। इसी तरह के सवाल और हम आपके बीच ला रहे हैं। दूसरा सवाल आपके लिए है, एक एथलीट जो है वो वृत्ताकार रास्ते जिसका कि व्यास जो है वो 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है और बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो है वह कितनी दूरी तय करेगी और उसका विस्थापन क्या होगा, ये निकालने के लिए बोला जा रहा है इसमें कि विस्थापन और तय की गई दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम उस वृत्ताकार रास्ते की त्रिज्या यानी r निकालेंगे। तो डायमीटर dy2 इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा कि उसका 200 मीटर, तो बटा 2 से कटाएंगे 100, तो 100 मीटर जो है वो आपका क्या हो गया, 100 मीटर इसका रेडियस हो गया। अब देखिए इस रेडियस में, रेडियस को निकाल लेने के बाद अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई निकालना है। तो वृत्ताकार पथ जिससे कि वो पूरा का पूरा ऐसे एक सरकमफेरेंस होगा, 1 सरकमफेरेंस पूरा निकालना है, तो उसका सरकमफेरेंस यानी कि वृत्ताकार रास्ते की लंबाई आपका जो वृत्तीय रास्ते की लंबाई, तो वृत्तीय रास्ते की लंबाई आप निकालेंगे 2πr। तो 2π का वैल्यू जो है वो 22/7 रखिएगा इंटू r का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 100 आया है, तो उसे 100 रखिए। इसी सरकमफेरेंस जिसे हमने मिटाया अभी, इसको निकालना है। तो अब देखिए इसे टोटल को कैलकुलेट कर देते हैं, तो 4400/7 इतना क्या होगा आपका मीटर। ये हमें रास्ते की कुल लंबाई निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया सवाल में कि आपने क्या किया कि एक चक्कर लगाया और वो भी 40 सेकेंड में आपने जो है एक चक्कर लगाया, 40 सेकेंड में तय
दूरी इक्वल टू है आपका 440, हिसाब से नहीं दिख रहा होगा, 440/7। अब देखिए इसमें आपको एक सेकेंड में कितनी दूरी, चूँकि 40 सेकेंड में इतना है तो आप एक सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी उसे निकाल लेना है। तो आप एक सेकेंड में उसकी दूरी निकालो, एक सेकेंड में तय दूरी 440 इतना बाय ये, इससे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा तो निकलेगा। अब बताइए कि आपको टोटल, चूंकि 2 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ था, तो 2 मिनट 20 सेकेंड को अगर सेकेंड में चेंज कर दें डायरेक्टली तो कितना होगा, 1 मिनट में होता है 60, 2 मिनट में हो गया 120 और 20, यानी कि टोटल 140 सेकेंड में तय किया गया दूरी आपको निकालना पड़ेगा 1/40 × 140। अब इसे आप में फिर इसको इससे, और टोटल आपका तय किया गया जो दूरी है वो निकलेगा 2200 मीटर। अब ये 2200 मीटर जो आपका निकला वो तय किया गया टोटल दूरी है। अब ये देखना है कि आपको पता होगा कि 40 सेकेंड में जो है वो पूरा का पूरा सर्कल पूरा करता है, तो सर्कल पूरा करेगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट यहीं से चला और पुनः यहीं पर पहुंच गया, तो इस तरह ये कितनी बार वो चला, तो इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखिएगा 40 सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 आता है, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट। उसके बाद फिर वो आगे की ओर चला, यानी कि 20 सेकेंड में वो कितना चला, 20 सेकेंड में जो चला अब उसको निकालना है। तो 20 सेकेंड में तय किया गया दूरी, 40 सेकेंड में टोटल उसने जो दूरी तय किया है वो कितना किया था, पूरा सरकमफेरेंस पूरा का पूरा 40 में, तो हाफ सरकमफेरेंस यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पूरा जो दूरी है वन इतना में तो वो लौट करके 3 बार यहीं तक आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 20 सेकेंड तक वो एक्स्ट्रा चलता है। तो 20 सेकेंड वो पूरा तो 40 में होता है, तो यानी कि 20 सेकेंड हाफ दूरी तय करेगा, यानी आधा दूरी तो वो तय करेगा, तो दोनों के बीच यानी कि आधा दूरी जब वो तय कर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट दो बॉडी के बीच में कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो उसका व्यास होगा, और व्यास यानी कि उस वृत्त का वृत्ताकार क्षेत्र का व्यास कितना दिया हुआ था, 200 मीटर। तो यहाँ पर उसके उसका जो विस्थापन होगा, विस्थापन जो होगा उसका वो कितना होगा 200 मीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वह 140 सेकेंड में जो है उनके बीच केवल और केवल विस्थापन इतना रह जाएगा, क्योंकि वह सर्कुलर पाथ पर बार बार घूम रहा है। तो एक सर्कल अगर पूरा कर लेगा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, फिर सर्कल पूरा कर लेगा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो इसी तरीके से उसने 3 बार जो है वो पूरा सर्कल पूरा किया, फिर हाफ सर्कल पूरा किया। हाफ सर्कल उसके वृत्त के डायमीटर्स को डिनोट कर रहा है और उतना ही उसके बीच यानी ए पॉइंट्स और बी पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस हुआ, तो उतनी ही उन्होंने दूरी तय की। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।